आदरणीय श्री महावीर भगवान के, संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व क्या शंका समाधान का कार्यक्रम का आनंद हम और आप लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ साथ शैन समाज के समस्त जो पदाधिकारी हैं साथी हैं उनका, धर्म प्रवाणा समिति के साथ साथ सकल दिगमर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में सैन समाज से अध्यक्ष नीलेश जी, शैलू जी, जनक जी, मंगल जी, अमेरिका, विनीत जी, संदीप जी श्रीवास और अमर वर्मा साथी काकू सैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। केंद्रीय समिति सैन समाज इंदौर 19 गोठों के तत्वाधान में अभिनंदन पत्र परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के कर कमलों में शीर्षणों में समर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर साथ में हमारे राहुल जी साथ में आ जावे और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी से महाराज से निवेदन करेंगे। हे मुनिवर आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए हम सभी को आशीर्वाद देते हुए शंकाओं का समाधान कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान अपन गुरुवर के चरणों में शुरू करते हैं और सर्वप्रथम मैं देख रहा हूँ आज अपने बीच में सैन समाज से सभी पदाधिकारी गण और पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। वे गुरु चरणों में अपना प्रथम प्रश्न अर्पित करें और अपनी शंका रखें, उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में इस पूरे चातुर्मास के महानिर्देशक भरत कुसुम जी मोदी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं, वे तैयार रहें। सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। पूरे समाज की आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें आप सभी के दिव्य संत का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं राहुल जी जैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हमें, हम पेपर में खूब पढ़ते थे गुरु महाराज के आशीर्वचन, तो हम हमारे समाज को भी एक नई दिशा देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने की सोच रहे थे और ये सौभाग्य हमें राहुल जी स्पोर्ट्स द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और श्री गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए मैं समाज की नई युवा पीढ़ी के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो नई जनरेशन है वो अपने पुश्तैनी कार्य को छोड़ते हुए, अपनी पुश्तैनी संस्कृति को छोड़ते हुए उसके कैसे इस ओर हम अपने समाज की ओर वापस डाइवर्ट करें कि जिससे हमारा भी जो पुश्तैनी कार्य है और हमारे समाज की संस्कृति है जो हमारा पुश्तैनी धंधा रहा है उसकी ओर आकर्षित करें, ऐसा गुरुवर आप आदेशित करें। ये समस्या एक समाज की नहीं सर्व समाज की, चूंकि आज के बच्चे उच्च शिक्षा संपन्न हो रहे हैं और उस शिक्षा में नए नए तरीके की बातें भी सामने आती है, सबको स्टार्टअप की बातें आती है, बहुत सारे लोग तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाने लगे, उनसे लोग प्रभावित होते, आकर्षित होते, परिणामतः इस तरह की स्थितियाँ बनती। हमें बच्चों को एक बात समझाना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजनेस का दो मॉडल है, एक परंपरागत पुश्तैनी व्यवसाय और एक नया। पुश्तैनी व्यवसाय का मॉडल सदा से सफल रहा है,
यदि कोई विफल हुए हैं तो दो ही कारणों से, या तो कोई गलत नीति अपना ले या गलत नियत रख ले। लेकिन नए व्यवसाय में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग विफल हो। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी चलाना आसान है, ट्रैक बनाकर गाड़ी दौड़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने परंपरागत कार्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी नई संभावनाएं तलाशना चाहिए, जिनके बदौलत हम और कुछ बेहतर दे सकें। और इसके साथ हमारे बीच एक और कमी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन अपना पारंपरिक ज्ञान नहीं दे पा रहे। उनका जो स्किल होना चाहिए, उनका जो कौशल होना चाहिए, उसको विकसित करें। तो प्रारंभ से कहे कि तुम्हें पढ़ना लिखना जो कुछ भी है, लेकिन तेरा धंधा तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये हम पुस्तों से करते आए हैं, हम इसमें सफल हैं, और तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चे बैठेंगे तो और सफल होंगे। आप सेन समाज में समझ रहा हूँ, सेन समाज जिसको सेन समाज कहते वही है ना? जी जी वही। मैं आपके धंधे का अगर उदाहरण दूँ तो बुरा मत मानना। एक समय में सेन को नाई कहते थे, जी जी। अब क्या कहते हैं? अभी भी अब नहीं कहते नाई, अब कंसेप्ट बदल गया। जी। पहले लोग नाई की दुकान में जाते थे, अब बार्बर के यहाँ जाने लगे, और आगे तो सैलून के यहाँ जाने लगे, है ना? और ब्यूटी पार्लर तो नहीं, इनके लिए एक और शब्द आता है, क्या आता है? यूनिसेक्स स्पा। ये सब चीज़ें हुई ना, ये क्या ब्रांडिंग हो गई, उसका फायदा भी। ये स्टार फैसिलिटीज होने लगी, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाने लगे। तो ये उसके भीतर छिपी हुई नई संभावना है। एक जमाने में बड़े बुजुर्ग लोग सड़क के किनारे अपना पेटी लेके बैठते थे और लोगों की हजामत बना देते थे। आज ये एक बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण व्यवसाय बन गया है, और इसमें पर्याप्त कमाई भी है ना? तो हमें आज के पढ़े लिखे युवकों को ये बात समझाना चाहिए। जैसे बहुत सारे युवक आईआईटी करने के बाद भी खेती कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आने के बाद भी खेती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन उनने खेती को एक नई दिशा दी, नई धार दी, तो वो सफलीभूत हुए। ऐसे ही यदि हम समाज के हर वर्ग के लोगों को उनके पारंपरिक व्यवसाय में दक्ष बनाए और उन्हें परंपरागत कला और ज्ञान सिखाए तो आगे बढ़ सकेंगे। एक चीज और देख रहा हूं, आप तो युवा होकर के ये सवाल पूछे, लेकिन मैं भी देखता हूं हर समुदाय में ज्यादातर लोग कहते हैं जो काम हम किए वो हमारे बच्चे को ना करना पड़े। ये भयानक भूल है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, जीवन के लिए हर काम जरूरी है, और जिसमें जो योग्यता है उसे उस काम को आगे बढ़ाना। ठीक है गुरु महाराज, मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए एक कोई स्लोगन आपके द्वारा मिले जो हम हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसाय पे या हमारे प्रतिष्ठानों पे लगाएं, जो आपका अमृत वचन हो समाज के प्रति, और एकता का संदेश मिले, सभी लोग एक रहे। जितना निसंकोच होकर नाई के आगे अपनी गर्दन समर्पित करते हो, उतने ही निश्चिंतता से भगवान के आगे अपना हृदय समर्पित करो। गुरुदेव की जय। बात समझ गए ना? नाई के हाथ में उस्तुरा है, फिर भी सामने वाला अपना गर्दन समर्पित कर रहा है,
कोई डर नहीं, तो भगवान और गुरु के आगे अपना हृदय समर्पित कर दो जीवन धन। गुरु महाराज की जय। हमारे समाज के युवा भरत कुसुम जी मोदी और उनके पुत्र और पुत्र वधु भी साथ में हैं, जो इसे पूरे छात्रमाश्रम महानिर्देशक भी हैं, समाज के बहुत ही वरिष्ठ हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, उसके बाद में ऋतु जी उमा जी दिल्ली तैयार रहे। महाराज महाराज साहब को मेरा ढोक, हमारा सबका ढोक, सबको हमारा नमन। महाराज श्री, मैं कुसुम मोदी आज अनुराग मोदी, पूजा मोदी, अभिषेक मोदी को साथ देके आए हैं। हमें समझाएं कि ये किस तरह से अपना जीवन धर्म के साथ लगकर और अपने जीवन को अच्छा सुखमय बनाएं। और महाराज श्री, हमें ये भी आशीर्वाद दीजिए कि आगे जाकर कैसे मैं और कुसुम आपके सानिध्य में आ सकें जल्द से जल्द। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप अपने परिवार से बच्चों को लेकर आए और आपने ये भाव व्यक्त किया कि बच्चे धर्म से कैसे लगे। हर माँ बाप को यही प्रयास करना चाहिए, खासकर संभ्रांत घरों के बच्चों माँ बाप को, जिनके बच्चों ने अभी धर्म को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया, उन्हें ऐसी पहल करनी चाहिए। आपने बहुत ही अर्थपूर्ण सवाल किया और मैं आपके माध्यम से संदेश पूरे देश के लिए देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दो पंक्तियाँ बड़ी मशहूर हैं, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माही, त्यों चक्री निप सुख करे धर्म विसारे नाही। कोई भी कुशल किसान खेती करता, उपलब्ध फसल का उपभोग करता, लेकिन पहले बीजों को बचा लेता। चाहे कैसी भी स्थिति हो, बीज का भक्षण नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि उपलब्ध फसल के साथ यदि बीजों का भी भक्षण होगा तो आने वाले दिनों में खाएंगे क्या। मैं आप सबके माध्यम से ही कह रहा हूँ, त्यों चक्री निप सुख करे धर्म विसारे ना। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग जिनका छह खंड धरा पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य रहता है, वे राज सुख को भोगते लेकिन धर्म को नहीं भूलते। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आज तुम जो कुछ भी भोग रहे हो वो किसी बीज का सुफल है। जितने भी अनुकूल संयोग मिले यूं ही नहीं मिले, प्रबल पुण्य के परिणाम स्वरूप मिले। तो जिस पुण्य के बीज से ये फसल तुम्हें मिली है सुख भोग की, इसको भोगो, लेकिन बीज को बचा के रखना। अगर उसे भोग लोगे तो आने वाले दिनों में दुर्दिन का सामना करना पड़ेगा। धर्म मूल बीज है, उसे बचा के रखो, जिससे पुण्य की संपदा बढ़ती रहे उसे बचा के रखो, उसे संभाल के रखो, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए इसे कभी मत भूलना, सदैव ध्यान रखना। पेड़ की जड़ अगर हरी होगी तो चाहे जितने पतझड़ आए, चाहे जैसी हिमानी हवा चले, चाहे जैसे तेज लू आए, पेड़ फिर हरा भरा हो जाएगा। और जड़ के सूख जाने के बाद आप कितना भी उद्यम करें हरा भरा नहीं हो पाएगा। तो जड़ क्या है इसे पहचानो, धर्म निष्ठा को जड़ मानो और आगे बढ़ो, जो जीवन को सलामती दे। आपने दूसरा भाव प्रकट किया, हम दोनों कैसे आपकी शरण में आए। बिल्कुल, आप तो अभी से अपनी तैयारी कर लो और बिल्कुल अभी तो आप फिट हैं, 80 वर्ष की उम्र में भी पूरा जिम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लगे रहिए और एक लक्ष्य बनाइए, रोज एक ही भावना भाइए कि मेरा अंत गुरु चरण में समाधि के साथ हो। मैं अस्पताल में आहें भरते हुए शरीर नहीं छोड़ना चाहता,
मुझे गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए शरीर छोड़ना है। ये भावना निमित्त भाते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, रास्ता प्रशस्त होगा। बंधुओं, हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान होती है। तन भले ही अस्वस्थ हो लेकिन मन जिनका बहुत मजबूत है, आज अपने बीच में ऋतु जी, उमा जी दिल्ली से यहाँ पर गुरु चरणों में दर्शनार्थ आई, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री अशोक रानी दोषी वहीं जाकर उनका सम्मान भी कर दें, और वे अपनी बात खुद और वो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ी भी हैं, ऐसे ऋतु जी उमा जी दिल्ली अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में रख रही है, और उसके बाद में नरसिंह पूरा समाज तैयार रहे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट 2005 में हुआ था, तब से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। तो वैसे तो जिंदगी आराम से कट रही थी, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन है, पर दिमाग में और दिल में बहुत सारे सवाल आते रहते थे। पर 3 साल से मैं आपके प्रवचन रोज़ सुनती हूँ और उससे मेरे काफ़ी शंकाओं का समाधान हो गया। तो जो मन में अस्थिरता रहती थी और काफ़ी सवाल उठते थे, वो अपने आप ख़त्म होते चले गए। और मेरे अंदर जब मुझे पता चला कि हाँ इंदौर में चतुर्मास में आप आए हैं, तो मेरे अंदर एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि मैं आके आपके दर्शन कर लूँ, आपसे आशीर्वाद ले लूँ। तो ऐसा पहले, मतलब मैं 55 साल की हूँ, ऐसा पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि इतनी प्रबल इच्छा हो कि मैं जाके, क्योंकि ट्रैवल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक तो इतना लगाव कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरा ये है कि इतना गहरा असर रोज़ सुबह आपके प्रवचन सुन के होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं अपने अंदर और मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बहुत फ़र्क आया है, बहुत परिवर्तन आया है तुम्हारे अंदर। तो मैं अपना आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ गुरुदेव, थैंक यू। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इतना हो लगाव, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ऋतु जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर उमंग हो तो वो सारे बैरियर को पार कर सकता है। शरीर से लाचार होने के बाद भी आज वे इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन बता रहे हैं। दिल्ली में रहकर ये खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, आप कल्पना कर सकते हैं। जिनका शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह एक प्रकार से पैरालाइज्ड है, फिर भी अपने पूरे फार्म को खुद देखती और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाती। तो मैं लोगों से कहूँगा कि जो थोड़ी थोड़ी सी बाधाओं से टूट जाते हैं, उन्हें ऋतु जैन जैसे से प्रेरणा लेना चाहिए कि शरीर भले लाचार हो, मन को लाचार नहीं होने दें। मन में सदैव उमंग बना के रखिए, और कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानो, ये जीवन का मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, ये इतना सब कैसे हो गया, तो मैं तो यही कहूँगा, निश्चित आपका अच्छा समय आ गया। जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है तो अपने आप वैसे निमित्त मिल जाते हैं, और ये जो निमित्त आपको मिले हैं और आपके अंदर जो बदलाव हुआ है ना, उसमें मैं तो केवल बाहर का निमित्त हूँ। ये सारा बदलाव आपके मन में उपजी श्रद्धा के कारण है। सुनते सब है लेकिन असर केवल और केवल उन पर पड़ता है जो श्रद्धा से भर करके सुनते हैं। मेरे पास ऐसे अनेक लोग आए, आप जैसे, जिनने कभी मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं,
लेकिन घर बैठ कर के टीवी पे सुने और उनने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया, जो सामने बैठ कर के सुनते उन्हें अपने अंदर उतर कर देखना है कि मैं कहाँ हूं, अंदर का श्रद्धान हो। मिट्टी पर पानी पड़ता है, मिट्टी नम हो जाती है। पत्थर पर पानी गिरता है, वो गीला दिखता जरूर है पर गीला होता नहीं। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा स्थान मिट्टी का हुआ है कि नहीं, मेरी स्थिति मिट्टी जैसी हुई है कि नहीं। अगर मिट्टी जैसा स्वभाव मेरा बन गया तो समझना मेरा भवितव्य सुधर गया, और यदि अभी भी वैसा नहीं है तभी मेरा संसार बहुत लंबा है। हमें भावना भानी है कि मेरे हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न हो जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अपने बीच में नरसिंहपुरा समाज और उनका सोशल ग्रुप, नवयुग मंडल, महिला मंडल सभी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। नरसिंहपुरा समाज के अध्यक्ष मुकेश जी जैन और नरसिंहपुरा यंग सोशल ग्रुप से अध्यक्ष अनिल जी जैन और सदस्य नवयुग मंडल समस्त महिला मंडल के अध्यक्ष तृप्ति जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष जैन, प्रदेश अध्यक्ष विदर्भ जैन, प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण जैन, एक बार फिर से उनका तालियों से स्वागत। और प्रश्न करेंगे ममता जैन और उनके बाद तैयार रहेंगे इनके जो समाज के अध्यक्ष हैं मुकेश जी जैन। पहले मुकेश जी कर लो। हाँ, मुकेश जी जैन अपना प्रश्न करें, उसके बाद ममता जी जैन। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, निर्भीक सागर जी एवं संदान सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर नरसिंहपुरा समाज इंदौर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के उसमें इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपका राजबाड़ा पर आगमन हो, यही हम पूरा नरसिंहपुरा समाज आपसे निवेदन भी करता है। राजबाड़ा, राजबाड़ा हृदय स्थली दिगंबर जी नरसिंहपुरा समाज का वहाँ मंदिर है। और मेरी शंका का समाधान ये है, पूज्य गुरुदेव, सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। 22-23 वर्ष में माता पिता बच्चों का विवाह करते हैं तो बच्चे तैयार नहीं होते हैं, कभी पढ़ाई से कभी नौकरी, और जब 28-30 साल की उम्र हो जाने पर यथा योग्य रिश्ते नहीं मिलते हैं, पर या तो बच्चे स्वयं गैर समाज में या माता पिता बच्चों की बढ़ती उम्र को देखते हुए मजबूरी में दूसरे समाज में शादी कर देते हैं। तो गुरुदेव शंका का समाधान करें, संतुलन को कैसे बनाया जाए। देखिए इसका ये समस्या बड़ी ज्वलंत है, इसके लिए बच्चों का माइंड सेट पहले से तैयार करना चाहिए। 15-16 साल की उम्र से बच्चों के दिल दिमाग में बात बिठाना चाहिए कि जीवन में विवाह का स्थान क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह का औचित्य क्या है और विवाह की उम्र क्या है। ये बात बच्चों के मानस में बिठाना चाहिए और समाज में एक परंपरा विकसित करनी चाहिए कि विवाह के बाद भी पढ़ाई करने की अनुकूलता मिले। उच्च शिक्षा से संपन्न होने में 24-25 साल तो आजकल लग ही जाते, और कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करे तो और ज़्यादा लग जाते, तो बच्चों को उसमें बहुत विलंब हो जाता है और इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी आ जाती। तो बेटा हो या बेटी, 20-21 साल की बेटी हो जाए, 22-23 साल का बच्चा हो जाए, तो आपको उसको विवाह के लिए तैयार कर देना चाहिए, उसको मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार करना चाहिए और समाज में ये खुली अनुकूलता देनी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए विवाह के बाद पढ़ाई का अवसर देने का। ससुराल वाले को पहले कहना चाहिए बेटी की शादी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में जब तक उसकी पढ़ाई होगी वो बेटी बन के रहेगी, वो अच्छे से पढ़ेगी, हम उसको वही फैसिलिटीज देंगे जो हम अपनी बेटी के लिए देते हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकते? अगर ये सब होने लगेंगे ना तो बहुत सारे फायदे हैं। उनमें दो प्रमुख फायदे हैं,
एक तो तलाक की घटनाएं घटेगी और दूसरा संतानोत्पत्ति की समस्या भी कम होगी। अधिक उम्र में विवाह तलाक का एक बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कठिन होता है, ईगो क्लैश होने लगता है, और अधिक उम्र में विवाह के कारण कई ऐसी समस्याएं आती है जिससे संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी चालू हो गई। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों के दिल दिमाग में बिठाना चाहिए और बच्चों को तैयार करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पहले माँ बाप को खुद तैयार होना चाहिए। अब 22-23 साल का अभी तो बेटा छोटा है, अभी तो बच्ची है, अरे क्यों हो गई उम्र, और आपको पता नहीं बच्चे शादी भर नहीं करते, बाकी सब कुछ हो जाता है। आज का माहौल बहुत गंदा है, आप लोगों को उतना पता नहीं जितना हम लोगों को पता है, क्योंकि बच्चे भटक भले जाएं पर आज भी उनकी निष्ठा स्थिर है। वे बच्चे जब हम लोगों के पास आकर अपना कन्फेशन करते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, तो जो चित्र उभर कर आता है वो बड़ा बीभत्स है। इसलिए बच्चों को समझाइए और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। ममता जी जैन, नरसिंहपुरा समाज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। त्रय गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, एक ओर तो पूरे देश में यह अभियान चला हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारा कानून भी बेटियों को समानता का अधिकार देता है, परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर में न बाहर, और चारों ओर असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी बेटियों को कैसे समझाएं कि उनको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कहां तक, कब तक और किस प्रकार करना चाहिए, शंका का समाधान कीजिए। बहुत गंभीर सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात, पर बेटियों की जो आज असुरक्षा है, ये बहुत ही गंभीर सवाल, उन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे हमें बहुत व्यापकता से विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले उन कारणों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए जिनके कारण आज बेटियां ज़्यादा मेरा मानना है सरकार और प्रशासन को हम बाद में कोसें, व्यवस्थाओं पर हम सवाल बाद में उठाएं, पहले अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। आज ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है, पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती थी, उसके पीछे के कारणों को जब हम देखते हैं, उसमें सबसे पहला कारण ये दिखता है, जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी है, मर्यादाओं का हनन दूसरा कारण है, तीसरी बात सर्वत उन्मुक्त यौनाचार की वकालत है ये बात, और चौथी बात संस्कारों की कमी। यदि इन चारों को हम ध्यान में रखें, जरूरत से ज्यादा लिबर्टी देना, मर्यादाओं का हनन, उन्मुक्त यौनाचार का सर्वत्र बाहुल्य और साधन है आपके पास, और संस्कारों की कमी, इनको हम ठीक कर लें, तो हमारी बेटी इतनी समर्थ होगी कि कोई उस पर बुरी नज़र से देख भी ले तो उसकी आंख फोड़ने में समर्थ हो जाएगी, उसकी उंगली नहीं उठा सकेगा, उसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करें। दूसरी बात, बेटियां जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेती, अतिरिक्त संपर्क और संसर्ग भी इसमें बाधक बनता है, देर रात तक घर से बाहर जाना आना और शराब और अन्य प्रकार के नशों का शिकार होना, क्या ये बातें
चिंताजनक नहीं है, इसे सुधारना चाहिए। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि किसी तरह की दरिंदगी, पूरे देश पर कलंक है, संस्कृति पर कलंक है, तो होना ही नहीं चाहिए। लोगों की दृष्टि में पवित्रता आनी चाहिए, लोगों को अपने अंदर मर्यादा रखना चाहिए, ये सब अच्छी बातें। लेकिन इन सब बातों के साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आप को संभालें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं एक और लाइन दे दूं, बेटी को बेटी बनाओ। बेटी बनाओ का मतलब ये नहीं कि उसको डरपोक बुजदिल कमजोर बना दो, नहीं, उसको संस्कारशील पराक्रमी मर्यादा परायण और दृढ़ धर्मी बना दो, फिर देखो उनका कहीं कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। उसकी जरूरत है। आप लोग बेटियों को बेटा बनाने लगे हो और बेटा बनाने के चक्कर में हो क्या रहा है, वो बेटा बन नहीं पा रही और बेटी रह नहीं पा रही। बेटी को बेटा बनाने की जरूरत क्या है? क्या बेटी अपने आप में कम है? हमारे यहां बेटी को बेटे से ऊंचा स्थान है। बेटा तो एक कुल का दीपक है और बेटी को उभय कुल विवर्धनी की संज्ञा मिली है। ये बेटी को है बेटा को नहीं, तो फिर बेटा बनाने की कोशिश क्यों? पूरी सोच बदलनी होगी। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का यह कुपरिणाम है। हमारे देश में कन्या को मंगल कहा है, लड़कों को नहीं, ये तो अमंगल है। तो जो मंगल कहा क्यों कहा? उस मंगल की ज्योत्सना को संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी है? समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए बेटे और बेटी में भेद मत करो, किसी को अच्छा और किसी को कमजोर मत आंको। आप लोगों से चूक होती है, बेटे को ज्यादा महत्व दे देते हैं, बेटी को कमतर, इसलिए बेटियों के मन में आने लगता है काश मैं बेटा होती, और वो बेटा बनने की होड़ में लग जाती। नहीं, बेटा हो या बेटी, दोनों का अपना अपना रोल है। बेटा बेटा है तो बेटी भी कम नहीं, और आज जो उदाहरण दिख रहे हैं उनमें बेटा तो फिर भी कुछ ना करे, बेटियां ही निहाल कर रही है। तो उनको बेटी बनाने की कोशिश कीजिए, इधर उधर न जोड़िए। चलिए, श्रीमती चंद्रलता जी पाटनी रांची जो ढुणाई थिंक की मंत्री भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री मुकेश चंदन बालाजी पाटोदी मुख्य यजमान चातुर्मास। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, घर का नरक क्या है और घर का स्वर्ग क्या है? घर का नरक क्या है, घर का स्वर्ग क्या है? अनेक अनेक तरीके से इस पर विचार रखे जा सकते हैं, लेकिन एक बार एक दार्शनिक संत से पूछा कि स्वर्ग क्या है, तो उन्होंने कहा जिस घर के सदस्य आपस में हिल मिल करके रहते हैं, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, सब प्रेम और सद्भाव के साथ जीते हैं, समझ लो वही स्वर्ग है। फिर पूछा नरक क्या है? बोले जहाँ एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाए, जिनके सुबह की शुरुआत लड़ाई से हो और रात भी लड़ाई से बीते, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही तत्पर हो, एक दूसरे के साथ मार काट की भावना ही जहां बनी रहे, समझ लो वही नरक। तो मैं यही कहूँगा, हमारे अंदर का सद्भाव ही स्वर्ग है और हमारे अंदर का दुर्भाव ही नरक। इस पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदन वाला पाटोदी, वे अपना प्रश्न और उसके बाद में
चित्रा पदम जीरोदा रांची तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, धर्म और जीवन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? महाराज जी, धर्म और जीवन का मैनेजमेंट कैसे? वो महाराज जी रितिका ने जयपुर से प्रश्न पूछा। बहुत अच्छा सवाल। धर्म और जीवन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? मैं कहूँ, जीवन के मैनेजमेंट का नाम ही तो धर्म है। जीवन का मैनेजमेंट ही धर्म है। इनर मैनेजमेंट का नाम धर्म है। मैनेजमेंट क्या? अपने आचार विचार और व्यवहार में संतुलन और सामंजस्य बना करके जीना, और यही धर्म है, यही मैनेजमेंट है। समझ गए? धर्म का मतलब केवल बाहर की धार्मिक क्रियाएं नहीं, ये तो धर्म का ऊपरी आवरण है। धर्म का असल अर्थ अंदर की परिणति है। जो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ कंट्रोल देता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है और सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करता है, और यही मैनेजमेंट। तो जो व्यक्ति अपने इनर मैनेजमेंट को ठीक तरीके से समझ लेता है, सच्चे अर्थों में वही धर्मी होता है। इसलिए धर्म और जीवन का मैनेजमेंट अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जीवन का सही प्रबंधन ही धर्म है। अब आपके सवाल के दूसरे पहलू पर भी मैं आता हूँ कि हमारी बाह्य धार्मिक क्रियाओं के साथ जीवन की अन्य व्यवस्थाओं को हम कैसे जोड़े, उनके मध्य सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो मैं उनसे कहूँगा जो अपने व्यापार व्यवसाय अन्य क्रियाओं में लगे, अच्छे से लगे, जो करना घर गृहस्थी के काम करे, धर्म की क्रियाओं को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखे। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कर ली तो धर्म की क्रिया में आपको कहीं भी कोई बाधा नहीं होगी। मनुष्य को अपनी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी है उसे अपनाना चाहिए और जो गैर जरूरी है उससे परहेज करना। नमोस्तु। चित्रा पदम जी गोदा रांची, और उसके बाद में भैया जी के पास माइक जाएगा। तैयार रहे। त्रय मुनिवरों को बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मनुष्य जन्म इतनी दुर्लभता से मिला है, उसके ऊपर जैन धर्म मिला है, इस दुर्लभता को कैसे सार्थक करें, शंका का समाधान करिए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिला, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे करें? बस कुछ मत करो। भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम। व्रत संयम का रास्ता अंगीकार करो और अपने जीवन को व्रती बनाकर आगे बढ़ाओ, तभी जीवन सार्थक। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। आने वाले श्रावण संस्कार शिविर के निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, वे अपनी बात रखेंगे और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देंगे। उसके बाद में आपके प्रश्न और ले पाएंगे तो देखेंगे। आइएगा बंधु, ये सौभाग्य इस वर्ष का पूज्यवर का इंदौर महानगर माँ अहिल्या की पावन नगरी के लिए प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य है देश और दुनिया के लोग जिन्हें तत्परता से सुनते हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक मैप और अन्य माध्यमों के माध्यम से नियमित सुनते हैं प्रातःकाल प्रवचन और सायंकालीन टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के माध्यम से। वे संत इस वर्ष आपकी माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में है और सौभाग्य आपके जीवन में आ रहा है। आने वाले 8 सितंबर से 15 सितंबर तक पर्वराज परिषण के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से बंधुओं, देश और दुनिया के शिविरार्थी भी आपके इस महानगर में आएंगे। इंदौर महानगर के शिविरार्थी भी यहाँ पर हैं। हम बतला दें कि जो रजिस्ट्रेशन की इस बार संख्या निर्धारित थी उससे लगभग 1.5 गुने शिविरार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर भी महाराज श्री की कृपा है कि आप जो इंदौर महानगर के शुद्धि श्रावक हैं, जो धर्म आराधना करना चाहते हैं पर्वराज के पावन दिनों में, भी आमंत्रित हैं। प्रातःकाल आप प्रवचन का सौभाग्य पा सकते हैं, भावना योग का सौभाग्य पा सकते हैं जो प्रातःकाल यहाँ 5 बजे से 6 बजे तक संपन्न होगा। उस भावना योग में आप आ सकते हैं। प्रतिदिन 10 दिन भावना योग संपन्न होगा। प्रवचन का समय प्रातः 9 बजे से है। उसके बीच में हम अभिषेक, शांति धारा और पूजन का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त करेंगे।
साथ ही साथ बंधु दोपहर में तत्वार्थ सूत्र की व्याख्याओं का सौभाग्य आप पा सकते हैं और सायंकालीन लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का सत्र होगा ही होगा। साथ में आप प्रतिक्रमण के माध्यम से भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से आने वाले शिवरार्थियों के लिए हम एक सूचना अवश्य देना चाहेंगे। जो भी बाहर से शिवरार्थी आ रहे हैं, लगभग 6 और 7 तारीख को सभी शिवरार्थी, देश और दुनिया के जो शिवरार्थी हैं, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पर जहां आपको रुकना है उसके निवास की लोकेशन भेजी जा रही है कि आपको कहां पर रुकना है, कहां आपके लिए सुविधा दी गई है। तो हमारा अनुरोध है, जो भी ट्रेन से या अन्य माध्यमों से आ रहे हैं, आपको जो लोकेशन भेजी जा रही है, आप वहां से सीधे अपने आवास पर पहुंचें, और अगर कहीं कोई समस्या आपके लिए जाती है तो आप सीधे मोहिता भवन पहुंचें, जहां धर्म प्रभावना समिति का कार्यालय है, वहां आवास व्यवस्था से आप अपना संपर्क करें। और आपकी समुचित व्यवस्थाएं समिति की ओर से की ही गई हैं, आवास की, भोजन की, पूजन द्रव्य सामग्री और वस्त्रों की। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण के पहले एक बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर के लिए और प्राप्त हो रहा है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यहां पर लगभग 500 शिक्षक इसी पांडाल में बैठे होंगे। देश और दुनिया को जो संस्कार देते हैं, आपके बच्चों के लिए जो ज्ञान देते हैं, उन शिक्षकों में कुलपति हैं, प्राचार्य हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं और शिक्षक हैं। लगभग 500 से ऊपर की संख्या में वे सब यहां पर होंगे और उस दिन सायंकालीन विशेष सत्र होगा। सायं 5:30 बजे से 7:20 तक यह विशेष कार्यक्रम चलेगा, जो पूरा कार्यक्रम लाइव होगा। हमारा 5:30 लगभग यहां पहुंच जाएंगे और 5:45 से यह कार्यक्रम लाइव प्रारंभ हो जाएगा चैनल के माध्यम से। बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए विदित हैं, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का सौभाग्य भी पहली बार इंदौर वालों के लिए मिल रहा है, 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से। और उस 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, जिसमें संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से होते हैं, और उस विधान के एक एक मंत्र को 9-9 बार महाराज श्री उच्चारित करते हैं और 9-9 बार द्रव्य की सामग्री समर्पित की जाती है। लेकिन बंधुओं, 108 मंडली विधान तो पहले भी हुआ है सिद्धों की स्थली पर, लेकिन एक अलग सौभाग्य इंदौर महानगर के लिए मिल रहा है। विधान के बाद 7 नवंबर से 15 नवंबर तक का ये आयोजन है, 9 दिवसीय आयोजन है, और उसमें विधान के बाद 108 रथ यात्रा इतिहास में इंदौर का नाम अमर करेंगे, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और उसमें आपकी भी महती भूमिका है। आज महिला मंडल भी यहां पर है, अन्य जिनालयों से आए हुए प्रतिनिधि भी यहां पर हैं, आपके पास तक यहां से लेटर पहुंचेंगे। लेकिन जितने महिला मंडल है इंदौर महानगर के, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने मंदिर हैं, वो सभी की सहयोगता आप भी उसका साक्षी भाव बनिएगा। बंधुओं, मंडल लगभग सुनिश्चित हो रहे हैं, 2, 5, 10 मंडल शेष रह गए हैं। जो भी चाहते हैं कि हमारे यहां होने वाले सौभाग्य के साक्षी हम बने, 3,51,000 रुपए की राशि में आपके परिवार के 12 सदस्य, पहले 8 सदस्य सुनिश्चित थे, लेकिन महाराज श्री की कृपा हुई और उनका वरदान छाव और फैली और आपके परिवार के 12 सदस्य एक मंडल पर अपना पुण्यार्जन कर सकेंगे। आइएगा, और आज जो मंडल अभी सुनिश्चित कर चुके हैं, उन मंडलों में से प्रारंभ के 25 नामों की घोषणा यहाँ पर ब्रह्मचारी अभय भैया जी यहाँ पर 25 नहीं, आज 16 करो, चलिएगा। तो जो मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं उन मंडलों की घोषणा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि ये मंडल के नाम अभी रजिस्टर्ड आपने किए हैं, लेकिन इनकी सुनिश्चितता तब होगी जब इनकी टोकन राशि आपकी जमा हो जाएगी। और अगर आप पूरी राशि, वैसे तो विधान के पहले, हवन के पहले ही आपको पूरी राशि जमा करना है, लेकिन टोकन मनिया जिनकी प्रारंभ हो जाएगी जमा होना, उनके मंडल सुनिश्चित माने जाएंगे। आज से जो मंडल रजिस्टर्ड हुए हैं उनके नामों की घोषणा अभय भैया जी यहां पर कर रहे हैं। 16 हमारे पास 92 नाम आ चुके हैं पुण्यार्जकों के, उसमें से आज 16 नामों की घोषणा मैं कर रहा हूं, और नामों की घोषणा हो तो आपकी ताली बजना चाहिए। आर के मारवल परिवार, श्रोमणी संरक्षक किशनगढ़, श्रोमणी संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, चातुर्मास यजमान के मुकेश जी, विजय जी, संजय जी पाटोदी, श्रोमणी संरक्षक अशोक रानी दोषी इंदौर, अध्यक्ष धन प्रणाम समिति आनंद जी, नवीन जी गोदा परिवार, श्रोमणी संरक्षक
हर्ष तप्ति जैन इंदौर, श्रीमती संरक्षक, श्रीमती संरक्षक श्रीमान एगनजी सेठी आनंद भवन, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान श्रीजी बिलाला, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिंघई, रमेश जी प्रभाजी निर्वाणा, श्रीमती संरक्षक दिलीप जी इंदिरा गोदा, इन्होंने दो मंडल लिए हैं, श्रीमती संरक्षक राकेश रजनी गोदा, श्रीमती संरक्षक सिंपल अंकिता जैन परिवार इंदौर, और श्रीमती संरक्षक महेंद्र जी सावित्री जी टाया परिवार उदयपुर, सुरेश जी निर्जा अजमेरा इंदौर, और गुणायतन ट्रस्टी बाबूलाल जी अखिलेश जी अपूर्व जी सतवैया परिवार टीकमगढ़ इंदौर। ये 16 नाम हमने घोषित किए हैं, शेष नामों की घोषणा कल की जाएगी। 25 कर दो, पच्चीस कर दो जी सर। गुणायतन ट्रस्टी के एस गारमेंट परिवार इंदौर, इन्होंने दो मंडल, अर्पिता सौगानी परिवार मुंबई दो मंडल, जे एम बी परिवार इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी हेमंत जी किरण जी पाटनी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी अजमेरा कोटा, श्रीमती स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी कटरैया, श्रीमती राजकुमार जी कुरबाई विदिशा, अनंत जी सीट छावनी इंदौर, बंडी परिवार राजगढ़ कोटी इंदौर, और दो नाम और बोलूंगा महाराज जी, रविंद्र जी रशिक जी आईएएस इंदौर, आशीष जी अग्रवाल इंदौर गुणायतन स्तंभ। इस तरह 25 नामों की घोषणा हमने आज की है, शेष नामों की घोषणा। जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा सभी विधान पुण्याधिकारियों का। बंधु एक सौभाग्य और सुनिश्चित आप कर सकते हैं, श्रावक संस्कार शिविर में 10 परिवारों के लिए सौभाग्य है श्रावक श्रेष्ठी बनकर के। श्रावक श्रेष्ठी जो भी परिवार बनेगा, अगर 10 दिन का समय आपके पास नहीं है तो एक एक दिन आप इस मंच के श्रावक श्रेष्ठी बन सकते हैं। मंच की सभी मांगलिक क्रियाएं जिसमें महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन, चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्र प्रदान, और साथ ही साथ शिवरात्रियों की चलने वाली तीनों भोजनशालाओं के भोजन पुण्यार्जक, और लगभग 2000 लोगों के पूजन और 10 लक्षण की विधान की जो द्रव्य सामग्री है उसके पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, और वो ही मात्र 5,00,000 रुपए में आप पूरे शिविर का पुण्यार्जन एक दिन के लिए श्रावक श्रेष्ठी के रूप में आप कर सकते हैं। और जिस दिन आपका नाम होगा उस दिन आपका पूरा परिवार मंच पर बैठेगा और ये सारी मांगलिक क्रियाओं का सौभाग्य प्राप्त करेगा। महाराज जी के चरणों में निवेदन। आज अपने बीच में पूज्य महाराज श्री जी के गुरुवर के अनन्य भक्त भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री मैं देख रहा हूँ वीरेश जी सेठ यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बंधुओं बहुत बड़ी हस्ती हैं, वे आ रहे हैं, और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी यहाँ मंच पर आ जाएं और उनका स्वागत सम्मान करेंगे। अशोक जी, राजेश दोषी, नवीन आनंद जी रोधा, दिलीप जी रोधा, मुख्य यजमान मुकेश जी, चंदन बालाजी पाटोदी, वे आ जाएं और वीरेश जी सेठ का सम्मान करें। आप लोग तालियों के में कंजूसी करें। वीरेश जी सेठ पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, और वे अपनी जिज्ञासा शंका भी गुरु चरणों में रखेंगे। भरत जी मोदी साहब बाबू साहब महानिर्देशक इस चातुर्मास के, बोलो वीरेश। परम पूज मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सहस्तो नमोस्तु। पूज्य निर्वेक सागर जी संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराजों के चरणों में नम वंदामी इच्छामी। महाराज जी ना मुझे कोई शंका है, बस एक भावना लेके आपके चरणों में आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान को विदित है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सम्मे सिगर जी का मामला फाइनल अंतिम निराकरण हेतु लंबित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक जैन समाज में कोई पक्ष है तो वो दिगंबर पक्ष है। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी बाहर, लेकिन हम सभी को अच्छे से जानकारी है कि दिगंबर ही मूल रूप से जैन धर्म का स्वरूप है। हजारों हजार करोड़ों साल से जो जैन धर्म है वह दिगंबर स्वरूप था, और उसी दिगंबर स्वरूप से ही सम्बे शिखर की मान्यता है। वहाँ से ही हमारे सारे भगवान तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष गए हैं, और वह सिर्फ दिगंबर स्वरूप है। आज यह विषय भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संपूर्ण भारत की दिगंबर जैन समाज इस विषय को हर शहर में हर गांव-गांव में अच्छे से पहुँचाए कि वास्तविक जैन धर्म क्या है, मूल जैन धर्म क्या है, और सम्मिलित शिखर से उसका क्या संबंध है। नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वीरेश जी का जोरदार अभिनंदन करें।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज हमें अपनों से ही अपनी चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना अच्छा होता कि 100 साल लड़ने की जगह 100 साल मिल के रहे होते तो सम्मेद शिखर का काया पलट हो गया। मैं तो अभी भी भावना भाता हूँ कि सबकी सद्बुद्धि आए और अदालतों के चक्कर लगाने की जगह टेबल पर बैठकर कोई अच्छा निर्णय लिया जाए। जहाँ तक सम्मेद शिखर जी की बात है, वो हमारी आन मान शान ही नहीं, वो हमारी संस्कृति का प्राण है। उसके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए उसके लिए तो सभी को प्राणपण से जुटना चाहिए। जहाँ तक अदालती कार्यवाही का सवाल है, मैं तो सभी से कहता हूँ कि सब लोग एक एक नमोकार की माला इस भाव से फेरे कि उस अदालत में ऐसा फैसला आए जो दोनों घरों में उजाला करे। ये प्रयास होना चाहिए। तीर्थ हमारा है, हम जैनों का तीर्थ है और सबको मिल करके चलने का काम करना चाहिए। कितना उत्तम होता यदि झारखंड के उच्च न्यायालय को फैसला मानकर सब मिलजुल करके काम करते। जब वो फैसला आया था तो मैंने कहा था ये एक बहुत उत्तम फैसला है। न्यायालय ने दो भाइयों को एक थाली में बैठकर खाने का अवसर प्रदान किया, लेकिन चीज़ें गई, आज अदालतों में चल रही है, फैसला आएगा। और जब ऐसी बात होती है तो हक की लड़ाई लड़ाई नहीं मानी जाती, वो हमारा अधिकार है। भरत और बाहुबली भी लड़े थे तो हमें लड़ना पड़ेगा। वो अंतिम विकल्प है, लेकिन अभी भी प्रयास करना चाहिए और पूरी समाज को इस विषय में पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों को वीरेश भाई के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, मजबूती से अपनी बात रखे, अदालत के ऊपर भरोसा रखे, धर्म पर भरोसा रखे और ये भावना भाई कि जो भी होगा वो सबके भले के लिए होगा, धर्म की प्रभावना के लिए होगा। और हम पुनः कहते हैं, हम 44 लाख लोग अब लड़ करके नहीं बचेंगे, मिल करके ही बच पाएंगे और मिलकर ही बचा पाएंगे। हम मुट्ठी भर लोग हैं, अगर इसी तरह लड़ते रहे झगड़ते रहे तो जो कुछ है वह भी खो जाएगा। अभी हमें एक ही ध्येय वाक्य बनाना चाहिए, हम एक बने और नेक बने। ये यदि पूरी समाज का ध्येय वाक्य बन जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है, सख्ती खर्च होती है, हरासमेंट होता है, कितना बुरा है। मैंने एक बार कहा था कि जितना रुपया हमने अदालतों में खर्च किया यदि उतना तीर्थ के विकास में किया होता, आसपास के लोगों के कल्याण के लिए किया होता तो आज वहाँ के लोग अपनी आरती उतारते, हमें आदर्श मानते। समाज की शक्ति नकारात्मक दिशा में जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक ये है तो हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। मेरा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को पूरा पूरा आशीर्वाद है, वे अच्छे से जुटकर सही रास्ते पे ले जाए। और पूरा मुझे विश्वास भी है कि फैसला ऐसा होगा जो सबके घर में उजाला भरेगा। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।